थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, चलो वालेकुम जी अस्सलाम। थोड़ा सा स्टूडेंट्स आ जाएं, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। 5 मोर मिनट्स। हमने जो है गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर जो है चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर दिया था। अच्छा, इसके कुछ टॉपिक्स जो है आखिर की हमने बड़ी तेज़ी में पढ़े थे, तो आई वुड लाइक कि हम जो है इसको ज़रा रिफ्रेश कर लें, दोहरा लें इसको। तो एडवांस्ड डीप लर्निंग के अंदर कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके स्किल सेट के अंदर, आपके टूल बेल्ट के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। जिस तरीके से एक हुनरमंद अफराद होता है, एक कारीगर होता है, उसके टूल बेल्ट के अंदर चीज़ें होती हैं, उसको जो भी इशू नज़र आता है वो टूल निकालता है, वो मसला हल करता है, टूल को वापस रख देता है। तो इसी तरीके से आपके पास टूल्स होने चाहिए। आपको डीप लर्निंग में कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बोलते हैं कि यार ये टेक्निक लगा के देख लेते हैं। तो बीइंग अ स्किल्ड पर्सन, हमारे पास वो टूल्स होने चाहिए जिसकी मदद से हम जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें प्रोग्रामिंग डीप लर्निंग के अंदर जो इश्यूज पेश आते हैं। तो पहली टेक्निक जो है बैच नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन हम नॉर्मली तो परफॉर्म करते हैं कि तमाम डेटा को 0 और 1 के बीच में ले आए, बट वी परफॉर्म नॉर्मली दिस ऑपरेशन एट इनपुट लेयर। इनपुट लेयर पे हम ये काम परफॉर्म करते हैं, इनपुट लेयर पे हम नॉर्मलाइज करके डेटा पास ऑन करते हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो है दैट शुड बी अ कंसर्न आफ्टर एवरी ट्रांसफॉर्मेशन। हर लेयर के बाद जो है ये इशू आपको फेस आता है और इस इशू को सॉल्व करने के लिए बैच नॉर्मलाइजेशन की एक लेयर है जो कि हमें लगानी चाहिए हर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ताकि हर लेयर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है उसके बाद हो सकता है कि वैल्यूज़ जो है 0 1 से रेंज से 0 1 की रेंज से बाहर हो जाएं। तो हमें जो है इसको दोबारा 0 1 की रेंज में लेकर आने के लिए बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर लगानी चाहिए। तो वी शुड हैव 0 मीन एंड यूनिट वेरियंस। डेटा का जो मीन है वो 0 होना चाहिए और वेरियंस 1 होना चाहिए। बट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट के इट विल ऑटोमेटिकली बी द केस आफ्टर एवरी ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें जो है बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर लगानी चाहिए। तो कीरास के अंदर बैच नॉर्मलाइजेशन की एक लेयर है, ये आईओफी और जेजडी ने इन द ईयर 2015 दे प्रपोज्ड दिस कॉन्सेप्ट। एंड द बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइजेस, अडैप्टिवली नॉर्मलाइजेस डेटा। Even though the mean and the variance is changing during the training process, लेकिन जो है वो automatically इस मसले को हल कर देता है। इसके लिए जो है वो internally जो है exponential moving average maintain कर रहा होता है of the batch-wise mean and variance of the data seen during the training। तो वो कुछ data maintain कर रहा होता है exponential moving average of the mean or variance, ये maintain कर रहा होता है और उसकी बेस पे वो ये काम परफॉर्म कर रहा होता है। नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा क्या हासिल होता है हम पहले ही देख चुके हैं कि ग्रेडियंट जो है जो कि बहुत ज़्यादा जो है अप एंड डाउन हो रहे होते हैं ग्रेडियंट की वैल्यूज़ में। तो बड़े नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए जिसमें वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आती है और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आती है, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। के ग्रेडियंट जो है
डेरिवेटिव जो है, जो कि आप एरर का निकाल रहे होते हो, लॉस का निकाल रहे होते हो, तो वो कम होते 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 जीरो हो जाता है जब आगे लेयर्स को पास ऑन होता है। तो इस मसले को हल करने के लिए हमने रेसिडुअल कनेक्शंस की टेक्निक भी पढ़ी थी कि जो है एक पीछे की लेयर जो है अपनी आगे की लेयर को डेटा पास ऑन कर दे, तो ऐसे जो है वैनिशिंग ग्रेडियंट अच्छा प्रॉपर्टी। ये वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए बैच नॉर्मलाइजेशन भी की जा सकती है, जिसकी मदद से आप डीपर नेटवर्क्स को ट्रेन करा सकते हैं। तो अगर डीप आपका नेटवर्क है तो उसकी ट्रेनिंग के लिए आपको जो है बैच नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करनी चाहिए। तो ज़्यादातर जो एडवांस कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर्स हैं, जिस जो कि कीरास के अंदर भी मौजूद है, रेसनेट, इंसेप्शन, सेप्शन, तो इसके अंदर जो है बैच नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म की गई है। ठीक है, ये अप्लाई कैसे होता है? बहुत सिंपल सा तरीका है। जब आप मॉडल ऐड कर रहे होते हो, मॉडल बना रहे होते हो, तो इसमें जितने भी लेयर्स हैं, हर लेयर के बाद जो है आप बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर लगा दें। हर लेयर के बाद बैच नॉर्मलाइजेशन की लेयर आप ऐड कर दें, तो इस तरीके से आप वेरी डीप न्यूरल नेटवर्क आप बना सकते हैं। अच्छा, मुझे 5 मिनट दिएगा, आप लोग जो है जब तक के प्रैक्टिस कर लें। जो हमने चैप्टर 5 में कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था हमने, उसमें बैच नॉर्मलाइजेशन आप लगा के देखेंगे किस तरीके से जो है आप ज्यादा डीप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर सकते हैं। सो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, आप जरा बैच नॉर्मलाइजेशन लगा के देखें। चैप्टर 5 में जो आपने न्यूरल नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लगाया था, ठीक है जनाब? जी, ये टास्क हुआ जो मैंने अभी दिया था अहमद। हो जाएगा, ये आसान है। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, फिर बैच नॉर्मलाइजेशन से आगे बात चलती है। ये डिफरेंट रिसर्च पेपर्स के अंदर बात की गई है बैच रीनॉर्मलाइजेशन। आईओफी ने जो है इन द ईयर 2017 बैच रीनॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात की है। ठीक है, सो इट ऑफर्स वेरी क्लियर बेनिफिट्स ओवर बैच नॉर्मलाइजेशन एट नो अपेरेंट कॉस्ट। इससे आगे चलते हैं तो सेल्फ नॉर्मलाइजिंग न्यूरल नेटवर्क्स की बात है, जिसके अंदर जो है आप डेंस लेयर के साथ जो है सिलू एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, SELU एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है? जैसे हमारे पास जो है सिग्मोइड है, सॉफ्टमैक्स है, हाइपरबोलिक टेंजेंट है, रेलू है, तो इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन के लिए आप एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाएं। जब हर लेयर से डेटा पास ऑन होगा तो वो नॉर्मलाइज होके निकलेगा, क्योंकि जब लेयर अपनी जो है मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगी, पिछली लेयर के डेटा को मल्टीप्लाई करेगी वेट से और ऐड करेगी, उसके बाद जो एक्स पे एक्टिवेशन फंक्शन लग जाएगा। वो एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा? जो पूरा डेटा है उसको 0 1 के बीच में ले आएगा। तो इस सेलू एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू, और उसके अलावा जो है फिर उसमें इनिशलाइजर्स हैं जिसको उसको इनिशलाइज करने के लिए, तो उसकी मदद से जो है आप
बैच रीनॉर्मलाइजेशन परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है जी, अच्छा ये जो सेलू वाली बात है, ये डेंसली कनेक्टेड नेटवर्क्स पे परफॉर्म हो रही है, लिमिटेड टू ओनली डेंसली कनेक्टेड नेटवर्क, और उसको ब्रॉडली रेप्लिकेट नहीं किया गया दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए। अच्छा बैच नॉर्मलाइजेशन से आगे की चीज़ है बैच रीनॉर्मलाइजेशन, अगर आपको इसकी डिटेल पढ़नी है तो फिर आपको इसका रिसर्च पेपर देखना पड़ेगा। डेटा हर बार नॉर्मलाइज होगा, हर लेयर से गुजरने के बाद नॉर्मलाइज होगा इमरान, एक लेयर से नहीं होगा बल्कि हर लेयर से गुजरने के बाद नॉर्मलाइज होगा। क्योंकि हर लेयर के बाद जो है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, जीरो और वन की रेंज से बाहर निकल रही होगी ना, तो हर बार नॉर्मलाइज करना होगा, हर लेयर के बाद जो है आपको नॉर्मलाइज करना होगा। ठीक है, डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन, कॉन्वोल्यूशन में नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास जो इनपुट इमेज है उस पर हम फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, कॉन्वोल्यूशन जो अप्लाई होता है उसके ऊपर। तो फॉर एग्जांपल अच्छा बेटर क्या है, बैच नॉर्मलाइजेशन या रीनॉर्मलाइजेशन? रीनॉर्मलाइजेशन जो है वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा ये एडवांस बातें हैं, अभी आप सिर्फ नॉर्मलाइजेशन ही कर लें वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये एडवांस कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको रिसर्च पेपर्स के अंदर मिलेंगे, इसकी बहुत ज्यादा डिटेल तो मैं नहीं पढ़ा सकता अभी, अगर आप रिसर्च पेपर देख लें इसका तो आपको वहां पर मिल जाएंगी ये चीजें। अच्छा ये इनपुट है, इनपुट इमेज है, उसके ऊपर जो है फॉर एग्जांपल आपने फिल्टर्स अप्लाई किए, फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपने 64 फिल्टर्स अप्लाई किए, अब अगले स्टेप में आपने 32 फिल्टर्स अप्लाई किए। ठीक है, 32 तो 64 से 32 हो गया। नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है, चैनल्स की तादाद भी जो है, फिल्टर्स की तादाद भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे चैनल्स पे फर्क पड़ता है। 64 से आपने 32 कर दिया, लेकिन जब आप डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ इमेज के साइज को छोटा करते हैं, नंबर ऑफ फिल्टर्स कम या ज्यादा नहीं होते। डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ फिल्टर्स जो है वो कम या ज्यादा नहीं करते आप, तो चैनल्स जो है नंबर ऑफ चैनल्स सेम रहते हैं। तो अगर आप देखें जी ये चैप्टर 7 है, तो ये यहाँ पे डायग्राम में भी शो किया गया है। बेसिकली होता क्या है, जब आपके पास ये 64 चैनल्स बन गए, अब हर चैनल पे कॉन्वोल्यूशन अलग अलग अप्लाई होगी, तो और आपके पास जो है इमेज जो है उसकी जैसे एक कॉलम लेफ्ट से एक कॉलम राइट से कम हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ चैनल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ चैनल्स को कम करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या ज्यादा करने के लिए वन बाय वन कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा, वन बाय वन पॉइंट वाइज कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले चैनल्स स्प्लिट होंगे डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन में, और अलग अलग कॉन्वोल्यूशन हर चैनल पे अप्लाई होगा, जबकि नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन में एक साथ ही अप्लाई हो रहा होता है, यहाँ पे अलग अलग चैनल पे कॉन्वोल्यूशन अप्लाई होगा, फिर वो कॉन्केटिनेट होंगे और फिर पॉइंट वाइज कॉन्वोल्यूशन अप्लाई होगा।
अच्छा क्लियर नहीं हो रही है बात। देखो चैप्टर नंबर 5 में हमने, जब सीएनएन पढ़ा था, ये देखे ना, ये इमेज है, ये 3x3 की इमेज है, ठीक है। और ये जो है ये डेप्थ है इसकी, ये नंबर ऑफ चैनल्स है। 3D इमेज कैसे बनेगी? इमेज में जो है 3D कैसे आएगी? विड्थ, हाइट और नंबर ऑफ चैनल्स, ठीक है। अब नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन में क्या होता है, ये इस पूरे के ऊपर कॉन्वोल्यूशन अप्लाई होता है अलोंग दी विड्थ, हाइट और चैनल डायमेंशन। और नंबर ऑफ चैनल्स कम या ज्यादा, जब कॉन्वोल्यूशन अप्लाई होता है नॉर्मली क्या होता है, चैनल्स कम या ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाऊं, मैंने इसके अंदर क्या बोला है, 32 फिल्टर्स अप्लाई करो, 28x28x1 की इमेज है, ये कितने बाय कितने की हो जाएगी, 26x26 की हो जाएगी अगले स्टेप में, और बाय 32 की हो जाएगी, 26x26x32 की हो जाएगी, क्योंकि आप जो एक फिल्टर अप्लाई नहीं कर रहे हो बल्कि 32 फिल्टर्स अप्लाई कर रहे हो। तो ये 32 चैनल्स बन जाएंगे। उसके अगले स्टेप में मैंने क्या करा, मैक्स पूलिंग के बाद 64 चैनल अप्लाई किया, तो इमेज के चैनल्स कितने हो गए, 64। उसके बाद जो है फिर 64 चैनल्स, फिर 64। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चैनल्स भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इमेज थी, इमेज 64 चैनल्स पे गई, 64 से 32 पे गई। तो कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करने के बाद चैनल्स भी कम या ज्यादा हो रहे होते हैं, लेकिन डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन में ऐसा नहीं होता, चैनल्स कम या ज्यादा नहीं होते, ठीक है। तो ये फास्ट होता है, डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन फास्ट होता है, इसमें चैनल्स को आप नहीं छेड़ते, चैनल्स को फिर बाद में जो है कम या ज्यादा करने के लिए आपको अलग से 1x1 कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करनी पड़ती है। 1x1 कॉन्वोल्यूशन से इमेज के साइज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके फिल्टर्स जो है वो कम या ज्यादा आप कर सकते हो। अच्छा देखो, देखो बेटा, ये इमेज है आपके पास, ठीक है, इमेज के पिक्सल्स हैं बहुत सारे, अब इस पे आप क्या करते हो, फिल्टर्स अप्लाई करते हो, ऐसे ही करते हो ना, कॉन्वोल्यूशन के दौरान फिल्टर्स अप्लाई करते हो, तो ये कितने का बन जाता है, जो भी आपने बोला, जितने भी फिल्टर्स बोले हैं, फिल्टर्स अप्लाई करोगे अगर इमेज के ऊपर। कॉन्वोल्यूशन में हम ये पढ़ चुके हैं कि हम जो है इमेज के ऊपर एक वक्त में कई फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, तो एक इमेज से अगर आपने 64 फिल्टर अप्लाई करें, यानी उस पर 64 बार एक फिल्टर अप्लाई किया, तो 64 इमेजेस बन जाएंगी, ठीक है। अच्छा चलिए इंटरनेट से देख लेते हैं कोई पिक्चर मिल जाए।
देखें ये इमेज है आपके पास, थ्री डायमेंशनल इमेज है, ठीक है। ये जो डायमेंशन है ये चैनल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसमें कई चैनल्स हैं। अब हर चैनल को आपने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, हर चैनल पे अलग अलग आपने कॉन्वोल्यूशन अप्लाई की, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करा, उस पर वन बाय वन कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करेंगे, हर चैनल पे अलग अलग कॉन्वोल्यूशन अप्लाई किया और उसको मिला दिया, तो ये एक इमेज बन गई, ठीक है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ चैनल्स उतने ही रहे। फॉर एग्जांपल अगर 10 चैनल थे, 10 चैनल पे आपने अलग अलग कॉन्वोल्यूशन अप्लाई की, विड्थ और हाइट तो कम हो गई, लेकिन चैनल्स कितने रहे, 10 ही रहे। चैनल्स तो कम नहीं हुए ना, 10 पे अलग अलग अप्लाई किया और फिर 10 को जोड़ दिया। अब नंबर ऑफ चैनल्स को अल्टर करने के लिए हमें पॉइंट वाइज कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये चैनल्स चेंज हो गए, तो दैट इज डेप्थ वाइज कॉन्वोल्यूशन। देखिए कॉन्वोल्यूशन में दो चीजें चेंज होती हैं, याद रखिएगा, एक तो इनपुट इमेज जो है उसकी विड्थ और हाइट चेंज होती है, और दूसरा नंबर ऑफ चैनल्स भी कम या ज्यादा होते हैं। ये पूरा काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्थ वाइज कॉन्वोल्यूशन में सबसे पहले चैनल्स को अलग अलग किया आपने और अलग अलग कॉन्वोल्यूशन अप्लाई की, अलग अलग कॉन्वोल्यूशन अप्लाई की, फिर इनको जोड़ दिया आपने, तो अभी सिर्फ वेट या हाइट चेंज हुई होगी। अब इसके ऊपर जब आप पॉइंट वाइज कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करोगे तो इसके चैनल्स भी चेंज हो जाएंगे। कर्नल तो इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल इमरान, ये कॉन्वोल्यूशन जो अप्लाई हो रही है, ये मेरा माउस हिलता हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर जब कॉन्वोल्यूशन अप्लाई हो रही है तो ये कर्नल इस्तेमाल तो हुआ है, ये कर्नल इस्तेमाल हुआ है जिससे इमेज की विड्थ और हाइट तो चेंज हो गई है। चैनल और फिल्टर एक ही चीज है बिल्कुल शकीब, नंबर ऑफ फिल्टर्स कह लें या नंबर ऑफ चैनल्स कह लें, एक ही बात है। अच्छा इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है, यानी कॉन्वोल्यूशन जो नॉर्मल अप्लाई कर रहे थे अब हम डेप्थ वाइज अप्लाई करेंगे, ये थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है। तो आपने जो है चैप्टर नंबर 5 में एमनेस्ट के डेटा सेट पे काम किया था ना, उस पे डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करके देखें, जहां जहां पे आप कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर रहे थे उसकी जगह पे डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन लिख दें, तो ये देखें फर्क पड़ रहा है, ये फास्ट काम होगा। चैप्टर नंबर 5 में हमने एमनेस्ट का डेटा सेट यूज किया था, ये यूज किया था ना हमने एमनेस का डेटा सेट। ये कॉन्वोल्यूशन 2D की जगह पे आप सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन 2D अप्लाई करेंगे, ठीक है, सेपरेबल कॉन्व 2D अप्लाई करेंगे, तो आप देखें ये फास्ट ट्रेनिंग होगी इसकी। इसको जरा करके देखें, 10 मिनट दे रहा हूं मैं। तो डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन जो है फास्ट होती है, ये आपके पता होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो आप सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करके देखें,
एक्यूरेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्यूरेसी वही आएगी। ठीक है चलें अप्लाई करके देखें इसको। 10 मिनट दे रहा हूँ मैं। स्टूडेंट्स किसी ने परफॉर्म किया? नो रिस्पॉन्स, क्या मतलब है भाई इसका? हो रहा है, अच्छा चलें करें। डेटा ऑगमेंटेशन लगाना चाहे लगा लें बेटा इमरान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होनी चाहिए? अब हर लेयर में कितने नोड्स होने चाहिए और लर्निंग रेट क्या होना चाहिए? एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा होना चाहिए? बैच नॉर्मलाइजेशन यूज करनी है या नहीं यूज करनी? अब ये तमाम चीजें तजुर्बे से सामने आती हैं, एक्सपीरियंस से पता चलता है कि हमें कौन से हाइपर पैरामीटर्स इस्तेमाल करने हैं। जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनको तजुर्बे से इंट्यूशन डेवलप हो जाती है कि हाइपर पैरामीटर को किस तरीके से ट्यून करना है। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, इसमें ग्रिड सर्च भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हाइपर पैरामीटर्स को सिलेक्ट किया जाता है। नॉर्मली आप जो है हाइपर पैरामीटर सिलेक्ट करते हैं, मॉडल बनाते हैं, फिट करते हैं, ट्रेन करते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं, थोड़ा सा उसको ट्यून करते हैं, फिर दोबारा चेक करते हैं एंड रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को। तो यू एक्चुअली परफॉर्म हिट एंड ट्रायल मेथड और देखते हैं कि एक्यूरेसी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है नहीं आ रही, या दूसरे पैरामीटर्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही। फिर कुछ टूल्स हैं जिस पे मैंने कहा था आप लोगों ने काम करना है। वैसे तो एक नई फील्ड है बिल्कुल, इसमें इतना ज़्यादा मटेरियल जो है अभी नहीं मिलेगा आपको, इतनी हेल्प नहीं मिलेगी। हाइपर ऑप्ट के नाम से एक टूल है, हाइप्रास के नाम से टूल है, इसको ट्राई करें आप। एंड फाइनली मॉडल असेंबलिंग, बहुत सारे छोटे छोटे मॉडल्स मिलके जो है एक बहुत अच्छे मॉडल से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मॉडल असेंबलिंग का मतलब है कई मॉडल्स को कंबाइन करके, कई क्लासिफायर्स को या कई रिग्रेसर्स को कंबाइन करके आप प्रेडिक्शन परफॉर्म करें, तो यू कैन मेक बेटर प्रेडिक्शंस। अगर आप जो है मशीन लर्निंग के कॉम्पिटिशन देखें जो केबल केगल के ऊपर होते हैं, उसमें ज़्यादातर जीतता कौन है? वही लोग जीतते हैं जो कि मॉडल असेंबलिंग की टेक्निक अप्लाई करी होती है जिन्होंने। तो मॉडल असेंबलिंग जो है दैट इज कंबाइनिंग वीक लर्नर्स, ऐसे लर्नर्स, ऐसे मॉडल्स
जो कि बेस लाइन प्रडिक्शन से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, यानी अगर आप रैंडम गैसिंग कर रहे हैं उससे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो अगर आपके प्रडिक्टर्स, उनको कंबाइन करो, कई तरीकों से कंबाइन कर सकते हो, वोटिंग करवा सकते हो, एवरेज ले सकते हो उनका, और उन बहुत सारे वीक लर्नर्स मिलके एक अच्छा मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर मॉडल जो है वो ए डेटा के अलग एस्पेक्ट को मॉडल कर रहा होगा, डेटा के किसी खास पहलू को जो है वो मद्देनजर रख के प्रेडिक्शन कर रहा होगा। तो जब साफ सब सारे मिल जाएंगे मॉडल्स, तो वो डेटा के हर पहलू को मद्देनजर रख रहे होंगे और अच्छी प्रेडिक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो एवरेज कर सकते हैं आप, वेटेज दे सकते हैं, कौन सा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा खराब कर रहा है, उनको वेटेज दे सकते हैं, एंड सो ऑन। अच्छा, शहीद का जो क्वेश्चन है प्रॉपर्टी प्रोडक्शन एरिया दे रहा है और रेंज दे रहा है, और मैच करना है, इसमें मशीन लर्निंग की जरूरत तो नहीं है, एरिया दे रहा है और रेंज दे रहा है, सिंपल सर्चिंग है ये, तो यहाँ पे कोई प्रोडक्शन तो नहीं हो रही। अच्छा, शकीब का क्वेश्चन है मॉडल इनसैम्पलिंग कैसे। मॉडल इनसैम्पलिंग का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने न्यूरल नेटवर्क्स दो बना लिए, ठीक है, और दोनों के रिजल्ट्स को कंबाइन किया, तीन बना लिए, तीनों के रिजल्ट को आपने कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने का तरीका ये हो सकता है, तीन में से जो दो कह रहे हैं वोटिंग करवा लो, तीन में से दो बेस्ट, ठीक है, मेजॉरिटी रूल्स, तो मेजॉरिटी क्या कह रही है उसको देखते हुए आप जो है उसके डिसीजन को फॉलो कर लें, या तीनों के रिजल्ट्स को एवरेज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तो डिपेंड्स आप किस तरीके से काम करना चाह रहे हो। मॉडल इनसैम्पलिंग में मॉडल वन ने प्रिडिक्शन की, जैसे यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें, मॉडल ए ने प्रिडिक्शन की, मॉडल बी ने प्रिडिक्शन की, सी ने की, डी ने की, और चारों का एवरेज कर लिया। ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एवरेज ज़्यादा अच्छा काम करेगा, चारों की प्रेडिक्शन को कंबाइंड कर दिया। ठीक है जनाब, ये चैप्टर नंबर 7 हम लास्ट टाइम ही कंप्लीट कर चुके थे, चैप्टर नंबर 8 पर आते हैं हम, जनरेटिव डीप लर्निंग। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अभी तक हमने प्रिडिक्शंस परफॉर्म किए हैं, अच्छा अरसलान के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ह्यूमन थॉट्स को एम्यूलेट करके हम जो है ना सिर्फ ये कि ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन के काम, बल्कि और बहुत सारे क्रिएटिव किस्म के काम भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्रिएटिव किस्म के काम, फॉर एग्जांपल आपने जो है शेक्सपियर का ड्रामा जो है मशीन को पढ़वा दिया, अब वो शेक्सपियर की तरह जो है लिखना शुरू हो जाए। गूगल डीप ड्रीम अल्गोरिथम, जिस जो कि एक इमेज को जो है स्टाइल दे दे, डॉग आईज या पेरी आइडोलिक आर्टिफैक्ट में कन्वर्ट कर दे, या प्रिज्मा की एप्लीकेशन है, इमेज को जो है मॉडिफाई करे, आर्टिस्टिक लुक ले आए, ठीक है, डिफरेंट स्टाइल्स में ले कर आए।
तो ये क्रिएटिव किस्म के एप्लीकेशंस हैं। जो कि डीप लर्निंग के थ्रू हम कर सकते हैं। इन द समर ऑफ 2016 एक एक्सपेरिमेंटल मूवी भी बनाई गई। एक स्क्रिप्ट लिखा गया यूजिंग LSTM। ये पूरी ये मूवी का स्क्रिप्ट लिखा गया डायलॉग के साथ। इसी तरीके से बहुत सारे सॉन्ग्स मिलेंगे आपको, AI बेस्ड सॉन्ग्स हैं, बहुत सारे म्यूजिक्स मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान राइटर्स हैं, पेंटर्स हैं या कंपोजर्स हैं, AI उसको रिप्लेस कर दे, उसकी हेल्प करेगा, उसको जो है कंफर्ट प्रोवाइड करेगा, कन्वीनियंस प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटेट करेगा, लेकिन रिप्लेस नहीं करेगा। तो AI इज नॉट अबाउट रिप्लेसिंग अवर ओन इंटेलिजेंस विद समथिंग एल्स। इसका मकसद जो है इंसानों को फैसिलिटेट करना, मजीद इंटेलिजेंस ले आना काम में। क्रिएटिव किस्म के कामों में AI जो है एज अ टूल हेल्प करेगी। AI हेल्प करेगी क्रिएटिव किस्म के कामों में, बजाय इसके कि रिप्लेस करे इंसानों को। तो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मशीन के थ्रू जो है मशीन को कुछ टैक्स पढ़ाएंगे और मशीन उसी तरह की प्रडिक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगी। ठीक है, बेसिकली होगा क्या, AI जो है वो डेटा के अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है, स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर मौजूद है, उसको लर्न कर लेगी। चाहे वो इमेज हो, चाहे म्यूजिक हो, स्टोरी हो, टेक्स्ट हो, उसको लर्न कर लेगी। डेटा के अंदर जो स्ट्रक्चर है, शेक्सपियर की फॉर एग्जांपल पोइट्री है, उसके स्ट्रक्चर को लर्न कर लिया और उस तरह के सेंटेंसेस जनरेट करने शुरू कर दिए। ये हमने करवाना है। अच्छा, नेचुरली ये कोई आर्टिस्टिक काम नहीं है, कोई क्रिएटिव काम थोड़ी हुआ ये, कि आप जो है डेटा के स्ट्रक्चर को समझ के जो है उसी तरह का डेटा मजीद जनरेट कराना शुरू कर दो। डेटा के अंदर कोई फीलिंग नहीं है कि किसी फीलिंग के साथ किसी ने कोई बात कही हो, कोई इमोशंस नहीं है ना, कोई ग्राउंडिंग है उसके अंदर ह्यूमन इमोशंस की। सिर्फ वो डेटा के पैटर्न्स को लर्न करके, डेटा को समझ के जो है उसी तरह के वर्ड्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन होता ये है कि जो सामने वाला जो पढ़ेगा वो खुद जो है उसके अंदर जो है फीलिंग महसूस करता है, बजाय भले उसको जो है किसी फीलिंग के साथ ना लिखा गया हो, AI ने तो कोई फीलिंग नहीं दी, लेकिन जब सामने वाला पढ़ेगा तो वो उसको ऐसा लगेगा। तो सीक्वेंस डेटा जनरेट कराना LSTM के थ्रू, ना सिर्फ ये कि इमेज के ऊपर ये अप्लाई हो सकता है, ये जो है टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो सकता है, डायलॉग जनरेशन के ऊपर, चैटबॉट के ऊपर। फॉर एग्जांपल गूगल के अंदर, जीमेल के अंदर जो है क्विक रिप्लाईज का ऑप्शन होता है, वो जो है LSTM के ऊपर काम करता है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं। 2002 में डॉगलस एक ने क्या करा, LSTM को अप्लाई किया म्यूजिक जनरेशन के लिए, म्यूजिक जनरेशन के लिए अप्लाई किया। अच्छा, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में डिस्कस करना, ये आपको बुक के अंदर मिल जाएगा। तो
डॉगलस एक्ट ने जो है जो कि म्यूजिक जनरेशन के लिए LSTM को इस्तेमाल किया अपनी लैब में, वो उसके बाद जो है गूगल में, गूगल ब्रेन का जो प्रोजेक्ट है, जो AI का प्रोजेक्ट है गूगल ब्रेन का, उसमें जो है अब वो एक रिसर्चर के तौर पे काम कर रहा है। वहाँ पे एक अलग रिसर्चर ग्रुप बना लिया एंड ही इज फोकस्ड ऑन अप्लाइंग मॉडर्न डीप लर्निंग टेक्निक्स टू प्रोड्यूस इंगेजिंग म्यूजिक। फिर 2000 में, 2010 में एलेक्स ग्रेव ने जो है इस्तेमाल किया सीक्वेंस जनरेशन के। उसके बाद से जो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या LSTM वगैरह, LST रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की ही एक्सटेंशन है, उसको इस्तेमाल इमेज जनरेशन के लिए, स्पीच सिंथेसिस के लिए, मॉलिक्यूल डिजाइन के लिए, मूवीज लिखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सो हाउ डू जनरेट सीक्वेंस डेटा? सीक्वेंस डेटा जनरेट कराने का मतलब हमने करना क्या है, टेक्स्ट पढ़ाना है कंप्यूटर को और उसको बोलना है कि अब तुम इस तरह का टेक्स्ट जनरेट करना शुरू कर दो। तो हम मशीन लर्निंग को ट्रेनिंग कैसे कराएंगे, हम बताएंगे कि ये अगर जुमला है तो उसके बाद कौन सा लेटर आएगा, अभी ये जुमला है उसके बाद कौन सा लेटर आएगा, नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करो प्रीवियस वर्ड की बेस पे। फॉर एग्जाम्पल द कैट इज ऑन दी मा, उसके बाद जो है अगला वर्ड या लेटर कौन सा होगा, अगला करेक्टर कौन सा होगा, ये मशीन प्रेडिक्ट कराए। ये ट्रेनिंग के दौरान हमने कराना है। जब हम ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो वो अगला लेटर बता सकेगा, ठीक है, वो बताएगा क्या चांसेस हैं कि अगला लेटर क्या है। तो ये लैंग्वेज मॉडल जो है ये लेटेंट स्पेस को कैप्चर कर रहा है, स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर को कैप्चर कर रहा है, ठीक है। वंस आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, आप उससे सैंपल कर सकते हैं, न्यू सेंटेंस जनरेट करा उसको, कोई सैंपल सेंटेंस दें, कोई भी नया रैंडम सेंटेंस दें, फीड करें उससे, बोलें कि अगला लेटर प्रेडिक्ट करो, अगला लेटर प्रेडिक्ट कर दिया, उसको कंबाइन करके फिर बोलो अब अगला लेटर प्रेडिक्ट करो, उसको भी जो है इनपुट का पार्ट बना दिया, फिर अगला लेटर प्रेडिक्ट करो, इस तरीके से आप ये प्रोसेस रिपीट करते रहो, ठीक है जनाब। इस प्रोसेस को कई दफा रिपीट करो तो इस तरीके से आप जनरेट करा सकते हो कोई क्रिएटिव किस्म का टैक्स। जो के या लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को रेप्लिकेट कर रहा होगा, ऑन विच द मॉडल वॉज ट्रेंड, लगेगा कि जैसे इंसान ने लिखा है ये जुमला, ठीक है। कुछ सैंपल जुमला दो उसको, बोलो अगला लेटर प्रेडिक्ट करो, उसको कंबाइन कर दो इनपुट में, फिर बोलो अगला लेटर, इसे रिपीट करो, इस तरीके से रिपीटेशन के थ्रू जो है आप नॉवेल किस्म के, इनोवेटिव किस्म के टेक्स्ट को जनरेट करा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपने बोला द कैट सेट ऑन दी एम, अगला लेटर क्या होना चाहिए, अगला लेटर जो है ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ए की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ई की प्रोबेबिलिटी कम होगी। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ए की है, तो क्या हर दफा ए ही सेलेक्ट करोगे आप जुमले में, एम के बाद हमेशा ए तो नहीं आएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा तो होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है हमेशा वही सेलेक्ट करोगे, बल्कि आप क्या करोगे, अगर 70% चांस है एम के बाद ए आने के, तो 70% ऑफ द टाइम ए सेलेक्ट हो, फिर जो सेंटेंस में फॉर एग्जांपल ई है, ई के चांस 1% है, तो वो 1% ऑफ द टाइम ई भी सेलेक्ट हो, ऐसा ना हो कि ई जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है तो उसको कभी सेलेक्ट ही ना किया जाए।
बल्कि रैंडमली जो है बेस्ड ऑन दी प्रोबेबिलिटी इसको सैंपल किया जाए, बेस्ड ऑन दी प्रोबेबिलिटी सैंपल करके जिसकी जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी दफा वो सिलेक्ट हो सैंपल करने के बाद। फिर जब ए आया फॉर एग्जांपल सैंपल करके, अब ए को सेंटेंस में शामिल कर दिया, अब फिर प्रेडिक्शन करो अगला लेटर कौन सा होगा। तो दिस इज हाउ हम जो है सेंटेंस जनरेशन कराएंगे। यहाँ तक के बात समझ में आ गई, कोई क्वेश्चन? स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन? ये प्रोबेबिलिटी वाली बात समझ में नहीं आई। देखो M के बाद A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, C भी आ सकता है, D भी आ सकता है, E भी आ सकता है, सब कुछ आ सकते हैं ना। M के बाद हर तरह के लेटर्स आ सकते हैं, लेकिन किसी के आने के चांसेस ज्यादा हैं, किसी के आने के चांसेस कम हैं, ठीक है। अब हमें देखना होगा कि अगर पीछे M लिखा हुआ है तो M के बाद हम एक लेटर सेलेक्ट करना है, तो हम देखेंगे कि M के बाद जो चीजें आ रही हैं उसकी उसमें से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कौन सी है और उसको सेलेक्ट कर लें। तो जब भी M आएगा तो उसके बाद जो है हम हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला सेलेक्ट करें। तो क्या ये कोई क्रिएटिव किस्म का काम हुआ? नेचुरली लगेगा ना, M के बाद हमेशा A ही आ रहा है अगर फॉर एग्जाम्पल, ये तो नेचुरल नहीं लगेगा। और जुमले में हमेशा M के बाद A तो नहीं आता, ठीक है, इंग्लिश में हमेशा M के बाद A तो नहीं आता, लेकिन M के बाद A के आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप जो रैंडमनेस थोड़ी सी लेकर आओगे नेचुरल बनाने के लिए, इसको क्या करोगे, आप सैंपल करोगे, आप देखोगे कि किसके चांसेस ज्यादा हैं, उसको ज्यादा बार, मिसाल के तौर पर 100 में से 70 दफा A आता है, तो जब भी आप सैंपल करोगे 70% प्रोबेबिलिटी होगी कि आप ए सेलेक्ट करो, ठीक है, 70% प्रोबेबिलिटी होगी कि आप ए सेलेक्ट करो। इसी तरीके से 10% प्रोबेबिलिटी होगी कि बी सेलेक्ट हो, 1% प्रोबेबिलिटी होगी कि सी। ये प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगी, ये हम डेटा को देख के डिसाइड करेंगे, लेकिन जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी उसी हिसाब से हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। हम एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे स्टैटिस्टिक का, वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताएगा। अच्छा, मोबाइल की जो डिक्शनरी होती है वो ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करती, वो जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो दिखाती है, ठीक है, वो रैंडमली नहीं दिखाती, वो थोड़ी सी रैंडमनेस नहीं डालती। हाँ, सेंटेंस के मीनिंग को तो देखेगा ना, सेंस को तो देखेगा, वो सेंस किस तरीके से देखेगा, वो देखेगा एम, सिर्फ एम को नहीं देखेगा बल्कि एम से पहले को भी देखेगा, उससे भी पहले को देखेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो 100 कैरेक्टर को देख के अगला कैरेक्टर प्रेडिक्ट करेगा, LSTM है ना, ये सीक्वेंस को मद्देनजर तो रखेगा, वो सीक्वेंस को कंसिडर करके, यानी वो 100 लेटर को देख के बताएगा, 100 कैरेक्टर को देख के प्रेडिक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ 100 की, जो भी आपने लेंथ सेट की है उसके हिसाब से प्रेडिक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैम्पलिंग में हमेशा जो है वो ये नहीं करेगा कि जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है उसी को सेलेक्ट करें हमेशा, बल्कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वालों को ज्यादा सेलेक्ट करेगा, लेकिन हमेशा वो नहीं सेलेक्ट करेगा, उसके अलावा भी सेलेक्ट करेगा चीजों को। क्लासिफिकेशन में तो हम यही करते हैं ना कि अगर जो है 90% चांस जो है कि ये एप्पल है और 10% ऑरेंज है तो हम कहेंगे कि ये एप्पल है, लेकिन यहाँ पर जो है हम
प्रोबेबिलिटी लेकर आएंगे। जी नीरज सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि एक आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कौन सा वर्ड जो है एम के बाद ज्यादा आता है, कौन सा लेटर सबसे ज्यादा आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इसी तरीके से एम के बाद और भी लेटर्स आ सकते हैं, तो जो भी लेटर्स आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को देखते हुए, अब जब आप जो है जनरेशन स्टार्ट करोगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी को देखते हुए ही जनरेशन करोगे। ठीक है, तो सैम्पलिंग स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वे यू चूज द नेक्स्ट कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पीसी वर्ल्ड का जो क्वेश्चन है कि एआई बैकएंड पे होगी, बिल्कुल, तो हम जो है पाइथन जो है बैकएंड पे रखेंगे, फ्रंट एंड पे एचटीएमएल होगी या जावास्क्रिप्ट होगी, ये आपको क्वार्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे आप लोग, थोड़ा सा जो है क्वार्टर नंबर 3 में भी जो है इंशाल्लाह ये बुक खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद जो है आपको जो है जेंगो वगैरह सिखाएंगे हम, जेंगो या फ्लास्क। ठीक है, देखते हैं। तो अनाइव अप्रोच इज ग्रीडी सैम्पलिंग, हाँ पीआईसी के सिलेबस में तो फ्लास्क है, तो फ्लास्क ही पढ़ेंगे, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, फ्लास्क लाइट वेट है, जेंगो जो है थोड़ा सा बड़ा, उसमें काफी चीजें हैं। हेलो, नहीं मेरी क्लास चल रही है। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, मैं क्लास ले लूँ, ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, जेंगो यूज करें या फ्लास्क यूज करें हम देखते हैं, वो तो बाद में डिसाइड करेंगे, अभी जरा ये चैप्टर कंप्लीट कर लें। अच्छा जी, सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी में आप ग्रीडी सैम्पलिंग नहीं करेंगे, ग्रीडी सैम्पलिंग का मतलब क्या है, जो बेस्ट नजर आ रहा है, जो लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉबेबिलिटी है जिसकी, उसको हमेशा सेलेक्ट करें, ये तो ग्रीडी सैम्पलिंग हो गई, ये सही नहीं है, इससे तो आपको जो है रिपीटेटिव जुमले मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी एम के बाद हमेशा ए ही आ रहा है या बी के बाद जो है हमेशा ई आ रहा है हमेशा, तो ये तो बड़ा अजीब सा लगेगा, ये मजा नहीं आएगा, क्रिएटिविटी तो नहीं आई ना। ठीक है, ज्यादा अच्छी अप्रोच क्या है, ग्रेडी सैम्पलिंग ना हो बल्कि थोड़ी सी रैंडमनेस भी डाली जाए उसके अंदर। हमेशा जो है जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला है वो सेलेक्ट ना करें, बल्कि सेकंड हाईएस्ट को भी सेलेक्ट करें, कभी कभी थर्ड हाईएस्ट को भी सेलेक्ट करें।
अच्छा नीरज, मैं अभी देखता हूँ आपका जो प्रोजेक्ट के बारे में कह रहे हैं, जरा इसको कंप्लीट कर लें टॉपिक को। तो हमने ग्रीडी सैम्पलिंग नहीं करनी बल्कि स्टोकेस्टिक सैम्पलिंग करनी है, जो रैंडमनेस है। इन सच अ सेटअप इफ ई हैज अ प्रोबेबिलिटी 0.3 ऑफ बीइंग द नेक्स्ट करेक्टर, तो अगर किसी करेक्टर की प्रोबेबिलिटी 30% है तो वो 30% जो है उसको सेलेक्ट किया जाए, किसी की 20% है तो 20% ऑफ द टाइम वो सेलेक्ट हो। यानी हमेशा हाईएस्ट वाले को नहीं सेलेक्ट करना है, कभी सेकंड हाईएस्ट को भी सेलेक्ट करना है, कभी थर्ड हाईएस्ट को भी सेलेक्ट करना है, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन प्रोबेबिलिटी, जिसके ज्यादा चांसेस हैं वो ज्यादा बार सेलेक्ट हो, जिसके कम चांसेस हैं वो कम बार सेलेक्ट हो, लेकिन हर कोई सेलेक्ट हो। सो इट इज ऑलवेज गुड टू एक्सप्लोर डिफरेंट अमाउंट ऑफ रैंडमनेस इन द जनरेशन प्रोसेस। तो इस मकसद के लिए जो है इन्होंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है? अब ये फंक्शन की डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, इसमें लॉगरिथम लगा रहे हैं और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं, ये पूरी मैथमेटिक्स है, ठीक है? इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इसके लिए रिसर्च पेपर अगर आपने देखना है रिसर्च पेपर देख सकते हैं, जहाँ पे जो है इसको डिस्कस किया गया है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर का, ठीक है? इस फंक्शन को हम टेम्परेचर देंगे, अच्छा थोड़ा सा पढ़ लें बेटा, बातें ना करें। हम इसको टेम्परेचर पास करेंगे और वो उसके हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करेगा। अगर टेम्परेचर की वैल्यू हम ज्यादा रखेंगे तो क्रिएटिव किस्म के सेंटेंसेस जनरेट होना शुरू होंगे, ठीक है? रैंडमनेस ज्यादा आ जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी को मद्देनजर तो रखेगा वो, लेकिन उसके साथ रैंडमनेस भी, यानी बी के बाद चांसेस हैं कि ई ज्यादा आता है, लेकिन वो कहेगा मैं बी के बाद जो है ए भी लगा के जो है सेंटेंस बनाऊंगा, ठीक है? तो क्रिएटिविटी आएगी। टेम्परेचर अगर कम रखोगे तो रिपीटेटिव किस्म के सेंटेंस आएंगे, क्रिएटिविटी नहीं होगी, नए नए किस्म के जुमले नहीं बनेंगे, ठीक है? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये वेट दे रही है, अभी हम इसको चला के देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। ज्यादा टेम्परेचर से जो है सरप्राइजिंग किस्म के नए क्रिएटिव किस्म के जुमले बनेंगे, ये बात तो समझ में आ रही है ना आपकी, कि प्रोबेबिलिटी को मद्देनजर तो रखना है लेकिन ग्रीडी सैम्पलिंग नहीं करनी हमने, कि हमेशा जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है हमेशा उसी को सेलेक्ट किया जाए। अच्छा देखो हमने करना क्या है, ये समझने की कोशिश क्या है, हमारे पास ये जुमला है, ठीक है? 100 करेक्टर्स है, इसकी बेस पे हमने बताना है अगला करेक्टर कौन सा होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या होगा हमें ये बताना है। जुमले में पिछले जुमलों की बेस के ऊपर बताना है अगला करेक्टर कौन सा होगा। अब जब हमारे पास पूरा इंग्लिश का ट्रेनिंग डेटा मौजूद है, ठीक है? हमारे पास डेटा मौजूद है शेक्सपियर का, शेक्सपियर के डेटा में कुछ प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर ये 100 करेक्टर्स हों तो उसके बाद ये करेक्टर आता है, ठीक है? शेक्सपियर के इंग्लिश पोइट्री के अंदर कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होगी जो बता रही होगी कि अगर फॉर एग्जांपल बी है, ठीक
तो बी के बाद ज्यादा क्या आता है, सी के बाद ज्यादा क्या आता है, ये प्रोबेबिलिटी मौजूद होगी। शेक्सपियर के पोइट्री को देख के आप ये प्रोबेबिलिटी जनरेट करा सकते हो। शेक्सपियर की पोइट्री आपने पढ़ी, आपने नोट कर लिया प्रोबेबिलिटी जनरेशन कि ये वर्ड है तो उसके बाद अगला करेक्टर ये आता है, ये वर्ड है तो उसके बाद अगला करेक्टर ये आता है, ये वर्ड है तो अगला करेक्टर ये आता है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी मौजूद है हमारे पास, लेकिन हम जो है उस प्रोबेबिलिटी को ग्रीडीली नहीं देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ब्राउन के बाद फॉक्स जो है वो सबसे ज्यादा आता है, लेकिन हमेशा हम फॉक्स को नहीं सेलेक्ट करेंगे ब्राउन के बाद, वरना तो ये इंग्लिश जो है वरना शेक्सपियर की पोइट्री थोड़ी लगेगी फिर ये, कि हमेशा ब्राउन के बाद ही फॉक्स को ही सेलेक्ट करें। शेक्सपियर की पोइट्री में 100 जगहों पे ब्राउन के बाद फॉक्स आ रहा होगा, लेकिन 50 जगहों पे ब्राउन के बाद कुछ और भी आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें 50 जगहों पे ब्राउन के बाद कुछ और जनरेट कराना चाहिए, हमें हर जगह पे ब्राउन के बाद फॉक्स नहीं जनरेट कराना, ठीक है, वरना तो पोइट्री जो है आपको रिपीटेटिव लगेगी, आपको मजा नहीं आएगा पोइट्री पढ़ने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी मौजूद है इस प्रोबेबिलिटी को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको रीवेट करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा चेंज करेंगे बेस्ड ऑन टेम्परेचर। सॉफ्टमैक्स टेम्परेचर की बेस के ऊपर, टेम्परेचर टी की बेस के ऊपर हम इसकी प्रोबेबिलिटी को रीवेट करेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी जो मौजूद है शेक्सपियर की, ठीक है, के शेक्सपियर की पोइट्री के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या स्ट्रक्चर है, कि बी के बाद क्या आता है, ब्राउन के बाद क्या आता है, ये तो मौजूद है, लेकिन हम उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाने के लिए एक पैरामीटर डालेंगे सॉफ्टमैक्स टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे काम कर रहा है, बहुत सिंपल है, ये टेम्परेचर डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन को टेम्परेचर से आपने डिवाइड किया है, ठीक है। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा उतनी कम जो है इफेक्ट डालेगी, प्रोबेबिलिटी जो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी है उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। टेम्परेचर जितना कम होगा प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट ज्यादा होगा, और आपके पास जो ओरिजिनल पोइट्री है उससे मिलते जुलते अल्फाज आएंगे, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू अगर आप थोड़ा सा बढ़ाओगे, 1 के करीब करीब लेके जाओगे, तो क्या होगा, आपके पास नए नए किस्म के वर्ड्स बनेंगे। अभी आप चला के देखिएगा, नए नए किस्म के वर्ड्स बनेंगे। तो यूनिकनेस लाने के लिए, क्रिएटिविटी लाने के लिए टेम्परेचर की वैल्यू 0.5 से थोड़ी सी ज्यादा रखनी होगी, ठीक है। अच्छा, हम जो है डेटा डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा देखें, ये जो है ना पूरी स्टैटिस्टिक्स है ना, इसको जो है बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये एक फंक्शन है, आप ये याद रखें, ये एक फंक्शन है जिसको आप टेम्परेचर पास करोगे सॉफ्टमैक्स टेम्परेचर, और ये आपको प्रोबेबिलिटी को चेंज करके दे देगा। प्रोबेबिलिटी को ऐसे चेंज करेगा कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रोबेबिलिटी का असर जो है पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी का असर ज्यादा होगा। अब एक काम करते हैं, कोई और वेरिएबल नेम भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल हमजा,
नोटबुक शेयर है शकीब, चेक कर लिएगा आप? आज मैंने शेयर कर दिया। ये हम डेटा डाउनलोड कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये सैंपल डेटा है, कहीं से भी डाउनलोड कर लें, कोई भी। आप अपने रिसर्च पेपर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, शेक्सपियर की पोइट्री दे सकते हैं, आप उर्दू का दे सकते हैं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये जुमले हैं, ये टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट को हम मशीन को देंगे और इस तरह का टेक्स्ट वो जनरेट करना शुरू कर देगा। उर्दू भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिकोड होगा ना वो तो। डेटा ये बुक के अंदर ही मौजूद है, आप डाउनलोड करना होगा आपको, बुक के अंदर पाथ मौजूद है। इसके बाद इसको जो है हम वेक्टराइज कर देते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, ये वेक्टराइज कर रहा है, इसको समझ लेते हैं। स्टेप हमने तीन दिया है, ठीक है, तो हमने एक लूप चलाया, स्टेप तीन दिया और मैक्सिमम लेंथ 60 दी है। तो इसका मतलब ये है कि जीरो से के आखिर से 60 पहले तक जाएगा ये, ठीक है। साठ साठ करेक्टर्स रखेगा वो, 60 करेक्टर्स की बेस के ऊपर अगला करेक्टर प्रेडिक्ट करेगा, पिछले 60 करेक्टर्स की बेस के ऊपर अगला करेक्टर प्रेडिक्ट कर रहा है वो, ठीक है। ये सेंटेंस है जिसमें जो है पिछले 60 करेक्टर्स रख रहा है और नेक्स्ट करेक्टर्स के अंदर जो है वो अगले 60 आगे के करेक्टर को प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स, पिछले 60 करेक्टर्स की बेस पे अगले करेक्टर की प्रेडिक्शन। थैंक यू।
अच्छा स्टैब हमने इसलिए रखा है, हम जो है डेटा को पूरे को वैसे नहीं रख रहे, यानी हम जो है तीन तीन करेक्टर छोड़ के जो है ना सैंपल डेटा जनरेट कर रहे हैं। यानी मैंने मिसाल के तौर पर इतना करेक्टर उठा लिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद जो है मुझे उसूलन तो डी से स्टार्ट करना चाहिए, इतना करेक्टर उठाया मैंने और उसके बाद बताया उसके बाद ई आ रहा है नेक्स्ट करेक्टर, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन उसके बाद मैं ड्वेल से उठाता और ई तक जाता और फिर बताता नेक्स्ट करेक्टर वी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं तीन आगे से उठा रहा हूँ, मैं यानी मैं डबल एल से उठाऊंगा फिर और प्रेडिक्शन करूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो तीन 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 करेक्टर आगे की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ऐसा जो है डेटा जो है एक्चुअली जो है ये तो फिर आप जो है बहुत मैकेनिकली जो है डेटा को आप रख रहे हैं ना, फिर बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है, इस वजह से स्टेप रख के जो है उन्होंने डेटा को थोड़ा सा रैंडम बनाने के लिए, नेचुरल बनाने के लिए उन्होंने इस तरीके से करा है। आप चाहें तो स्टेप को 1 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। सैंपल डेटा चाहिए ना आपको तो किसी भी तरीके से जनरेट करा सकते हैं। फिर डेटा को करेक्टराइज कर दिया, 1 हॉट इनकोडिंग करिए। उसके बाद 1 हॉट इनकोडिंग में क्या होता है, सारे 0 होंगे, सिर्फ करेक्टर की पोजिशन पे 1 आ रहा होगा। इस तरीके से 1 हॉट इनकोडिंग कर दिया आपने, ठीक है। 1 हॉट इनकोडिंग के बाद नेटवर्क बनाते हैं हम, LSTM बनाते हैं। हम क्या करेंगे, LSTM लगाया उसके बाद हम अगला करेक्टर प्रेडिक्ट करेंगे, लेंथ ऑफ करेक्टर में से अगला करेक्टर कौन सा होना चाहिए। एम्बेडिंग तो वर्ड्स के लिए होती है ना, अभी हम करेक्टर पे काम कर रहे हैं, ठीक है शकीब। एम्बेडिंग तो वर्ड्स की होती है, यहाँ पे वर्ड पे लेवल पे तो काम ही नहीं कर रहे हैं, हम करेक्टर लेवल पे काम कर रहे हैं, वर्ड लेवल पे भी कर सकते थे। मॉडल को कंपाइल किया और ये हमारा सैंपल का फंक्शन है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। नहीं करो अब हमने क्या करा, 1 से लेके 60 तक के जो है ईपॉक्स चला दिए। 1 ईपॉक पे क्या होगा, 2 ईपॉक पे क्या होगा, 3 ईपॉक पे क्या होगा, मॉडल को फिट करा रहे हैं, ठीक है। एक्स और वाई डेटा दे रहे हैं हम, यानी एक बार ट्रेनिंग कराने के बाद जनरेट करके देख रहे हैं, फिर दूसरी बार ट्रेनिंग कराने के बाद जनरेट करके देख रहे हैं, एंड सो ऑन। रैंडम डेटा जनरेट कराया हमने, रैंडम डेटा जनरेट कराया हमने, ठीक है। और हम बोलेंगे ये अगर जुमला है तो अगला करेक्टर कौन सा होना चाहिए, फिर अगले करेक्टर को अपने जुमले में शामिल करके फिर बोलेंगे कि अगर जो है ये 100 करेक्टर्स हैं तो अगला करेक्टर 100 है या 60 लिया हमने, ऊपर मैक्स लेंथ क्या लिया हमने,
60 लिया ना, तो 60 करेक्टर्स की बेस के ऊपर अगला करेक्टर प्रेडिक्ट करना, ठीक है। मॉडल डॉट फिट करा रहे हैं हम और उसके बाद प्रेडिक्शन करा रहे हैं। ये तो ट्रेनिंग करा दी, ट्रेनिंग के बाद असल जो काम हो रहा है यहाँ पे प्रेडिक्शन का काम हो रहा है। हाँ कोडिंग अभी समझा रहा हूँ ना बेटा ना। मॉडल डॉट फिट से क्या होगा, ट्रेनिंग हो जाएगी, एक ईपॉक की ट्रेनिंग कराई, रैंडम करेक्टर्स उठाए हमने, जीरो से लेके लेंथ ऑफ टेक्स्ट माइनस मैक्स लेंथ माइनस वन, जितने भी टेक्स्ट है उसमें से रैंडमली हमने कुछ टेक्स्ट उठा लिया, स्टार्ट इंडेक्स उठा लिया और स्टार्ट इंडेक्स से लेके अगले 60 करेक्टर, एक कोई भी पोजीशन हमने रैंडमली पिक कर ली, उससे अगले 60 करेक्टर्स हमने उठा के टेक्स्ट में ऐसे जनरेटेड टेक्स्ट में डाल दिए। क्या करें हमने, कोई सी भी रैंडम पोजीशन हमने पिक करी, जो भी पूरा टेक्स्ट जो भी है उसमें से कोई सी भी रैंडम पोजीशन पिक करी, वहां से लेके अगले 60 करेक्टर्स उठा लिया हमने, ठीक है। ये जनरेटेड टेक्स्ट हो गया। अब हम देखते हैं मुख्तलिफ टेम्परेचर पे जो है इसकी प्रेडिक्शन क्या आ रही है। टेम्परेचर 0.2 रख के देख रहे हैं क्या प्रेडिक्शन आ रही है, टेम्परेचर 0.5 रख के दे रहे हैं क्या प्रेडिक्शन आ रही है, टेम्परेचर 1 रख के देख रहे हैं, 1.2 रख के देख रहे हैं। सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट पे हम क्या इसको यहाँ पे प्रिंट भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं, इसको राइट करा रहे हैं, ठीक है, कि ये जनरेटेड टेक्स्ट था, ठीक है। इसकी बेस के ऊपर हमने अलग अगले करेक्टर्स जनरेट कराने शुरू किए, सैंपल इज इक्वल टू एनपी डॉट जीरो, वन से लेके मैक्स लेंथ तक लेंथ ऑफ करेक्टर्स, ये एक नंपाई की हमने मल्टी डायमेंशनल एरे बनाई है। अब जो भी टेक्स्ट है उसको वन हॉट इनकोड करना पड़ेगा, तो ये हमने सैंपल में जो है जहां ये टेक्स्ट मिल रहा है वहां वहां पे वन लिख दिया और इससे इसकी प्रेडिक्शन कराई कि अगला करेक्टर क्या प्रेडिक्ट हुआ, उसमें से जीरो इस पोजीशन पे यानी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला उठा लिया, उसको सैंपल किया हमने और जो भी टेक्स्ट जनरेट हुआ उसको अपेंड कर दिया। इसको चला के देखते हैं, ये काफी टाइम लेगा जब तक कि मैं आपको जो है दोबारा से ये समझा देता हूं। सबसे पहले हमने मॉडल को फिट कराया, ठीक है स्टूडेंट, इसको बार बार आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तब जाके आपकी समझ में आएगा। अब जितना भी हमारा टेक्स्ट है लेंथ ऑफ टेक्स्ट उसमें से मैक्स लेंथ को हमें हटाना होगा क्योंकि आखिर के हम जो है 60 करेक्टर छोड़ रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट से बता दूं कोड, अच्छा चले स्टार्ट से बता देता हूं, ये तो समझ में आ रहा है आप लोगों के, ये फाइल जो है डाउनलोड की है, किरास डॉट यूटिल्स डॉट गेट फाइल है, मेथड एक फाइल बता दी, ओरिजिन बता दिया कहाँ पे पड़ी हुई है, उसको रीड किया और लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, उसको प्रिंट भी करा दिया टेक्स्ट को। अब हमने क्या करा, जितना भी आपके पास टेक्स्ट आया है 60 कैरेक्टर्स की बेस पे अगला कैरेक्टर प्रेडिक्ट करना,
सेंटेंसेस में हम क्या डाल लें, शुरू के 60 कैरेक्टर्स डाल लें और उसके बाद का जो करेक्टर है वो आई प्लस मैक्स लेंथ पे होगा, आई से लेके आई प्लस मैक्स लेंथ तक जो है ये, यानी आई की वैल्यू अगर 10 है तो ये 10 से लेके 70 तक, आई की वैल्यू 0 है तो 0 से लेके 60 तक, यानी अगले 60 करेक्टर्स सेव कर लो सेंटेंस के अंदर और नेक्स्ट करेक्टर क्या होगा, टेक्स्ट आई प्लस मैक्स लेंथ यानी 60, 0 प्लस 60 60, 0 प्लस 60 क्या होगा 60 होगा, 1 प्लस 60 होता तो 61 होता, तो आई की जो भी वैल्यू होगी उससे 60 करेक्टर आगे क्या होगा, ये हमने जो है बना लिया कि 60 करेक्टर्स की बेस के ऊपर अगला करेक्टर कौन सा होगा, ये हमने सेव कर लिया, उसको जो है सॉर्ट करके रख लिया अपने पास, ठीक है। फिर वन हॉट इनकोडिंग किया, वन हॉट इनकोडिंग का क्या मतलब है, एक डिक्शनरी बना दी हमने, अच्छा सॉर्ट क्यों किया, सॉर्ट करने की कोई खास वजह तो नहीं है नजर आ रही मुझे, सॉर्ट इस वजह से किया है कि उसके बाद वन हॉट इनकोडिंग करनी है बस, जितना भी टेक्स्ट है असल में इसमें क्या होगा, टेक्स्ट को सेट में कन्वर्ट किया, सेट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, जितने भी अल्फाबेट्स आ रहे हैं फॉर एग्जांपल द ब्राउन फॉक्स जंप्स हेलो वर्ल्ड, अब इसमें जितने भी अल्फाबेट आ रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी ये अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि सेट बना रहे हो, सेट में डुप्लीकेट नहीं आएगा, ए अगर कई बार आ रहा है जुमले में तो वो एक ही दफा काउंट होगा, सी कई बार आ रहा है जुमले में लेकिन वो एक ही दफा आएगा, एच कई बार आ रहा है, तो जितने भी करेक्टर्स आपके पास टेक्स्ट के अंदर मौजूद है उसकी लिस्ट बना के उसको सॉर्ट करके रख लिया, आप उसकी डिक्शनरी बना ली, ठीक है जो भी करेक्टर्स हैं उसकी डिक्शनरी बना ली, ए को वन दे दिया, बी को टू दे दिया एंड सो ऑन, तो ए को अगर वन दे दिया तो ए की इनकोडिंग क्या होगी, ए की पोजीशन पे जाके आप वन लिख दोगे, अगर बी जो है थर्ड पोजीशन पर है तो थर्ड पोजीशन पे जाके वन लिख दोगे, ये वन हॉट इनकोडिंग कर दी, ठीक है जी। वन हॉट इनकोडिंग के बाद क्या करा है आपने, मॉडल बनाया, मॉडल को कंपाइल किया, ये सैंपल का मेथड मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो आपकी ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको रीवेट कर देगा, फिर मॉडल डॉट फिट कराया, फिर हमारे पास जो सैंपल टेक्स्ट है उसमें से कोई सी भी पोजीशन उठा ली और उससे अगले 60 करेक्टर्स जो है उठा लिया हमने, ये हमारा जनरेटेड टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब उस जनरेटेड टेक्स्ट की मदद से मुख्तलिफ टेम्परेचर पे चेक करते हैं ये क्या जनरेट करेगा, पहले तो हमने प्रिंट करा दिया, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये सैंपल टेक्स्ट है उसकी बेस के ऊपर अब वन हॉट इनकोड करना है सैंपल टेक्स्ट को, तो नंपाई की एरे बनाइए और जहां जहां पे जो है वो करेक्टर आ रहे हैं वहां वहां पे जीरो कर दिया, ठीक है। क्यों दिया, जस्ट जो है आप 400 करेक्टर जनरेट कराना चाह रहे हो, यानी एक 60 लेंथ के करेक्टर की बेस पे आप 400 लेंथ की टेक्स्ट जनरेट करा के चेक करना चाह रहे हो, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, कोई भी नंबर रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग घर पे देखें एक दफा, अगली दफा मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह, अच्छा इसमें टाइम बहुत लगेगा इसको रन करने में,
आप लोग रन करके आइएगा, ठीक है, अगली दफ़ा आइएगा इंशाल्लाह। अगली दफ़ा मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, अभी यहीं पर ही एंड करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।